कांडपाल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं माता रानी का भोग प्रसाद बना रही हूँ। बहुत ही स्पेशल भोग प्रसाद है ये, आलू का हलवा। इसके लिए मैंने ये 6-7 आलू जो हैं उबाल के छील लिए हैं। अब इन्हें हम कद्दूकस में एक एक आलू करके अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने आलू कद्दूकस कर लिए हैं। ये आलू कद्दूकस कर लिए हैं और कढ़ाई में घी भी गर्म कर लिया है। इसमें करीब मैंने एक बड़ा जो कलछी है वो तेल डाला है। अब इसमें आंच धीमी करके कसे हुए आलूओं को इसमें डालना है। अच्छे से मिक्स करिए और इसको मध्यम आंच में चलाते हुए भूनते जाना है। ये आलू का हलवा बहुत ही पुरानी रेसिपी है, ये जो नानी दादी के समय से चली आ रही है। बस इसको ऐसे कभी धीमी कभी मध्यम आंच में ऐसे नचाते हुए इसको भूनना है और इतना करना है कि हल्का गुलाबी ये हो जाए। इतना सुनहरा होने लग गया है ये देखिए। धीमे धीमे छुड़ाते हुए इसको बनाना है और इसमें घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो लगभग ये हमारा तैयार हो गया है। 1 मिनट इसको मैं और भूनती हूँ। ये देखिए, आलू ने पूरा घी अपना छोड़ दिया है। अच्छी तरह से ये सुनहरा हो गया, पूरा घी देखिए आ गया बाहर। अब हम इसमें डालेंगे कम से कम 2 बड़े चम्मच चीनी। ये देखिए, चीनी डालने के बाद धीमी आंच में ही इसको भूने, तेज आंच में नहीं। बहुत से लोगों ने अपनी बचपन में माँ के हाथ का खाया होगा, नानी दादी का हाथ का खाया होगा और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस हलवे का स्वाद आज तक नहीं चखा होगा। छोटे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है और पूर्णतया ये एक फलाहारी आहार है। कभी चीनी, जब देखी मेरी चीनी जो है ये पिघल गई तो मैंने इसको हल्का सा तेज कर दिया और तेज करके इसको मैं लगातार चलाते हुए इसको भूनना है। चीनी भी पिघल गई है, हलवा भी सुनहरा हो गया है। देखिए, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। एक आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर घर का पिसा हुआ है और भोग प्रसाद में जी भर के माँ को मेवे का स्वाद चखाना है। तैयार हो गया है, आइए अब इसको सर्व करते हैं। माता रानी का भोग प्रसाद बनकर तैयार है। देखिए, ये रेसिपी आपको कैसी लगी? नानी दादी के जमाने की, बचपन की यादों की, एक बार जरूर बना के इसका स्वाद चखें और अपने परिवार में बच्चों और बुजुर्गों को जरूर खिलाएं, माँ का भोग लगाएं। और यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल कांडपाल किचन को सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।